हेलो, नमस्कार। एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज मैं इस वीडियो में राग दरबारी का एक सरगम गीत का स्थाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत राग है, राग दरबारी। क्योंकि बॉलीवुड के जितने भी बहुत सारे जो गाने हैं वो राग दरबारी में ही हैं, और सबसे ज़्यादा दरबारी में ही राग के गाने बनते हैं। राग दरबारी फेमस इसलिए है क्योंकि राग दरबारी में कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी का प्रयोग होता है, इसलिए इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत खूबसूरत सा राग है। मैं इसका सरगम गीत का स्थाई आपको बताऊंगा, और वो मैं बहुत ही स्लो स्पीड में बताऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो मिलेंगे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपके पास सीधा पहुँच जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं राग दरबारी कन्हाड़ा कान्हड़ा सॉरी राग दरबारी कान्हड़ा। सबसे पहले राग दरबारी का आरोह अवरोह, और उसके बाद सरगम गीत का स्थाई। ये हुआ आरोह। मैं इतना स्लो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से नोट्स को समझ जाएं और उसको हारमोनियम पे बजा सकें। ठीक है, आइए अब देखते हैं सरगम गीत किस प्रकार है। ये तीन ताल 16 मात्रा में है, और मैं चार चार मात्रा को आपको चार बार में बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाए। ये जो हाँ आता है ये एक डैश होता है, ये भी एक मात्रा ही होती है, पर इसको हम डैश के रूप में प्रयोग करते हैं। नी सा मा, ये हुई चार मात्रा, और उसके बाद री सा नी सा, चार मात्रा ये हो गई, आठ हो गई। उसके बाद मात्रा ये हो गई, तो हो गई 12, और उसके बाद सा, चार मात्रा ये हो गई, तो हो गई 16 मात्रा। अब आप पूरी लाइन ये देखें किस प्रकार है। ठीक है, ये पहली लाइन है और इसे हमें दो बार गाना है। अब दूसरी लाइन क्या होगी। मा पा
इसको भी हमें दो बार गाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर पहली लाइन दो बार, इसे भी दो बार गाना है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं एक बार अब इसको पूरा सरगम जो है मैं आपको कंप्लीटली बजाकर दिखा देता हूं, ताकि आप अच्छे से और समझ जाए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखें और आप खूब इसका मन लगाकर प्रैक्टिस करें, ताकि आप अच्छे से कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।